Hello everyone. After a gap, we are again back with the Christmas celebration in Herons Academy. आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जो हमारे ऑलरेडी लिंक्ड वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट के साथ है. ये क्या है? इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वॉट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. अगर हम कहते हैं एज वेल एज, सो जब हम एज वेल एज को यूज करते हैं तो हम सब्जेक्ट केस को दिमाग में रखते हुए हम उसको वर्ब की एग्रीमेंट में डालते हैं. जैसे टीचर्स एज वेल एज देयर स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक. अब इसमें सब्जेक्ट केस में टीचर्स है और स्टूडेंट्स भी प्लूरल केस था, तो ऑब्वियसली देयर आया, तो इसमें कोई हमें सोचने की बात नहीं है. लेकिन अगर हम कहें द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, अब यहां पे क्या होगा? इज आउट फॉर पिकनिक टुडे. सो यहां पे हम आर नहीं लगा सकते, हम ऑब्जेक्ट को टीचर्स देखते हुए. करेक्ट. अब नाउ द सिचुएशन इज वेरी वेरी टेंस, चारों तरफ थर्ड वेव एंड यू ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अब उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? पीपल एंड द गवर्नमेंट आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन द सर्च. तो नाउ पीपल इज प्लूरल केस एंड द गवर्नमेंट इज द सिंगुलर केस ऑफ कलेक्टिव नाउन. तो हमने क्या लगाया? आर लगाया. हम इस गवर्नमेंट को देखते हुए नहीं लगा सकते. थैंक यू.